हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रिचेश मेरा व्लॉग्स। और आप देख रहे हैं चक्र कुंड, इसे ब्रह्म कुंड भी कहा जाता है। और इस कुंड की स्पेशल चीज़ मैं आपको बताती हूँ कि इस कुंड में जो आप पानी देख रहे हैं ना, वो पानी ज़मीन से निकला हुआ। अपने ऊपर थोड़ा सा पानी छिड़क कर हम चले गए एक और मंदिर दर्शन करने के लिए। तो ये है माँ ललिता देवी जी का मंदिर। हमने सभी मंदिरों में दर्शन कर लिए थे तो हम वापस से आ गए ब्रह्म कुंड में, क्योंकि हम पहले कपड़ा लेके नहीं गए थे और हमने सोचा कि अब तो डायरेक्ट रूम पे ही जाना है, इसीलिए हम गीले कपड़ों पे ही रूम पे वापस चले गए। और कहा जाता है कि ब्रह्म कुंड में परिक्रमा करना बहुत ही सौभाग्य की बात होती है, तो मेरी मम्मी बार बार बोल रही थी कि नहीं, परिक्रमा करना ही है, करना ही है, इतने दूर आए हैं। तो फिर मेरी मम्मी की इच्छा भी पूरी हो गई कुंड में परिक्रमा करने की। आप देख ही सकते हो कि कुंड का पानी पूरे गले तक के आ रहा था। आई होप गाइज कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई YouTube चैनल विच इज़ रिचेश मेहरा व्लॉग। अभी हमारा ट्रैवल ख़त्म नहीं हुआ है, तो आगे की वीडियो के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। बाय गाइज।